मंडला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनावी सभा की। इस दौरान वीडी शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लेकिन ये लोग सबूत मांगते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस भारत तोड़ने का काम कर रही है, जबकि भाजपा भारत को जोड़ रही है। जब जेएनयू के अंदर भारत को तोड़ने के नारे लगते हैं, भारत माता के टुकड़े टुकड़े गेंद टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाती है, उनके समर्थन में राहुल गांधी जाकर के जेएनयू के अंदर खड़े होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जब होती है, पाकिस्तान को माकूल जवाब भारत की सेना मोदी जी के नेतृत्व में देती है, तो ये दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी कहते हैं इसका साक्ष्य और प्रूफ क्या है? सेना पर विश्वास नहीं है। धारा 370 और 35 को हटाकर आज संपूर्ण भारत एक सूत्र में बंधा है, तो भारत को जोड़ने का काम तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप तो भारत को तोड़ने की बात करते रहे, आपको भारत जोड़ने से तो कोई लेना देना नहीं है।